दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, जी हाँ दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में अपने दिल की बात की वीडियो आपको कैसी लगी लिखना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों ऐसी मैं आज मतलब बैठा हुआ था और मुझे यहाँ पर जो मेरा कमेंट बॉक्स है वहाँ पर काफ़ी कमेंट मिल रहे हैं कि जो सर कॉलर ट्यून मतलब आजकल डिफ़ॉल्ट लगा दी गई है सभी ऑपरेटर्स की तरफ से कि कोरोना वायरस को लेकर, मतलब जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो वहाँ पर मतलब पहले का खांसी की आवाज़ आती है, उसके बाद मतलब कोरोना वायरस से कैसे आप बच सकते हो वो बताया जाता है 30 सेकेंड तक, मतलब जब तक व्यक्ति कॉल उठा नहीं लेता है। तो काफ़ी लोग इरिटेट हो रहे हैं यार, मतलब पता है कोरोना वायरस, और लोग तो ये भी कह रहे हैं ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि यार कोरोना वायरस से मरे या ना मरे इस कॉलर ट्यून से पहले वायरस फैल जाएगा। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बताया जा रहा है कि हाँ अवेयरनेस फैलाई जा रही है, ठीक है, लेकिन अब कोई इमरजेंसी में यार किसी को कॉल कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है किसी को तो वहाँ पर कोरोना वायरस की मैसेज तो वहाँ पर सुनाई दे रही है, तो काफ़ी इरिटेटिंग लोगों को हो रहा है। तो अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हो कोरोना वायरस की ट्यून, अगर आप कॉलर ट्यून स्टॉप करना चाहते हो जो कि सभी फ़ोन में नंबर से लगा दी गई है सभी ऑपरेटर्स की तरफ से, चाहे वो रिलायंस जियो, एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो या फिर BSNL भी हो, तो कुछ स्टेप बताए जा रहे हैं। जैसे कि जैसे आप पहले कोई नंबर डायल करते हो जिस नंबर पे आपको कॉल करनी है डायल करिए, उसके बाद जैसे ही कॉलर ट्यून ये कोरोना वायरस वाली स्टार्ट हो, मतलब कि जैसे कफ की आवाज़ आए, खांसने की आवाज़ आए, तो तुरंत आपको नंबर पैड खोल के 1 डायल कर देना है, तो ये आपकी जो ट्यून है कॉलर ट्यून वो बंद हो जाएगी। और अगर तब भी ना हो तो आपको #हैश डायल कर देना है। अगर 1 डायल करके करके देख लो, अगर बंद हो गई तो ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर से कॉल काटिए, फिर उस व्यक्ति को मिलाइए और #हैश डायल करके देखिए, तो शायद आपकी जो ये कॉलर ट्यून है डिफ़ॉल्ट कॉलर ट्यून जो कोरोना वायरस की फैली है जो सबके नंबर्स पे लगी है वो शायद बंद हो जाएगी। हालांकि इसका कोई और तरीका नहीं है, अगर आएगा तो मैं कोशिश करूंगा बताने की। हालांकि ये जो यार चल रहा है, आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोरोना वायरस के बाद आपकी रिंग नहीं जाती, जैसे आप किसी को भी कॉल लगाते हो तो कोरोना वायरस का जैसे मैसेज सुनाई देता है तो वो रिंग ही जाती रहती है दूसरे के फ़ोन में, अगर दूसरे ने उठा ली तो आपको पूरा मैसेज भी सुनाई देने को नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने पहले पूरी मैसेज सुनाई जाती है 30 सेकेंड की, उसके बाद रिंग जाती है, ऐसा नहीं है, वो मैसेज के साथ ही रिंग जाती है। जैसे पहले लोग गाना लगाते थे को रिंग जाती थी, वैसे अब ये कॉलर ट्यून लग गई है ये रिंग जाती रहती है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि रिंग जा रही है या नहीं जा रही है मैसेज के बाद जाएगी, ऐसा नहीं है, आपको मैसेज सुनाई देता रहेगा और रिंग जैसे आप लगा दोगे वहाँ जाती भी रहेगी। तो अगर किसी व्यक्ति ने तुरंत उठा ले तो मैसेज कट जाएगा और आप तुरंत बात कर पाओगे जिसको भी आपने कॉल लगाया है। तो यही कुछ प्रिकॉशन है जिससे आप अवॉइड कर सकते हो इस कॉलर ट्यून को, या तो आप +1 कर दो या तो #हैश कर दो नंबर डायल करने के बाद। ट्राई करके बताना ये अगर आप ये ट्रिक काम कर रही है आप में या नहीं कर रही है कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं कर रही है तभी बताइएगा, मैं कुछ दूसरी ट्रिक यहाँ पर कोशिश करूँगा आप लोग के लिए लाने के लिए। फिलहाल आप बताइए कि आप इरिटेट हो रहे हो इस कॉलर ट्यून से या नहीं हो रहे हो, मुझे तो लगता है आप इसे बहुत लोग इरिटेट हो रहे होंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और ये सच बात है कि आप इस मैसेज से इरिटेट, मैं तो हो रहा हूँ यार, सच बात मैं हो रहा हूँ। हालांकि ठीक है, इसको कोई और तरीका नहीं है हटाने का, बस यही तरीका है आप एक बार ट्राई कर सकते हो, वो भी ये नंबर सभी ऑपरेटर्स पर वर्क नहीं कर रहा है, कुछ कुछ ऑपरेटर्स पर कुछ कुछ नंबर पर ये मतलब ये जो ट्रिक है ये वर्क कर रही है। वीडियो कैसे लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फिलहाल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखा करता हूं। फिलहाल कहते हैं दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।